एम स्पोर्ट की बैजिंग हो गई। जैसे गेट बंद होता है ऑटोमेटिक मिरर्स ऊपर चल जाते हैं, ठीक है। और गाइस ये भी रिक्लाइन हो सकती है, देखो इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन है। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस आज आपको पता है ना, मैं मोस्टली कार्स के रिव्यू ज़्यादा करता हूँ ना, तो आज देखो मैं पहले सब व्हील्स में आया हूँ, जहाँ मैंने पोर्शे का रिव्यू किया था अपने। देखो मेरे साथ अभी बहुत सारी कार्स है, तो मैं आपके लिए एक बहुत तगड़ी वाली कार लाया हूँ, बहुत तगड़ी। इस जो अपनी कार का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, BMW 6 सीरीज GT लाइन एम स्पोर्ट, बताऊँ कैसी दिखाता हूँ, वो भी नाडो ग्रे में। देखो फाइनली अपने सामने है BMW 6 सीरीज GT लाइन एम स्पोर्ट। देखो सबसे पहले तो BMW का लोगो, ये जो लोगो है ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, ये वर्किंग होता है। जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ऑप्शन आता है, ये खुल जाता है, जो अपने जो इंजन जो हीटअप हो जाता है ना, तो वो यहाँ से इसकी जो क्या बोलते हैं एयर है ना, वो यहाँ से पास आउट हो जाती है गाइस। बाकी गाइस ये देखो पूरा कार का क्या लुक है, मेन तो मैं तो लुक पे मर गया गाड़ी के। और ये गाइस सब आगे के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, एक नहीं तीन, वो भी इतने स्मार्ट लुक्स के साथ। और BMW है भाई साहब, ये सेंसर्स हो गए गाइस आगे चार, यहाँ पे टो, ये हेडलाइट वॉशर इसमें भी आते हैं गाइस, ये गाड़ी में टो करने का आ गया। एंड ये देखो इतनी स्मार्ट सी फिनिश दे रखी है ग्लॉसी ब्लैक में, और ये ग्रिल, और सबसे बढ़िया तो गाइस ये BMW का लोगो है ना। और आपको गाइस पहले टायर का साइज़ दिखाता हूँ मैं, है ना, टायर का साइज़ देखो 245/45 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स, वो भी देखो एम स्पोर्ट की बैजिंग हो गई यहाँ पे। BMW का लोगो, BMW ये देखो डार्क ब्लू में कैलिपर्स करवा रखे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं गाइस ये। एंड गाइज ये जो वेंट्स होते हैं ना, ये वर्किंग नहीं होते, ये जस्ट फॉर लुक्स के लिए होते हैं, ठीक है। या एम स्पोर्ट की बैजिंग हो गई। और गाड़ी के लुक्स देखो भाई साहब, पूरा पहले कार को वॉक अराउंड करा दूँ, पीछे से देखो पूरी स्पोर्टी फील कार है। देखो ये 630i की बैजिंग हो गई, पीछे के टेल लाइट्स हो गए गाइस, BMW का लोगो हो गया पीछे गाइस, पार्किंग सेंसर्स हो गए गाड़ी के, ये GT की बैजिंग हो गई। और भाई साहब क्या गाड़ी लग रही है, ये देखो गाइस कार का पूरा व्यू देखो, ठीक है। यहाँ पे भी एम स्पोर्ट की बैजिंग है गाइस, बाकी आपको अंदर से गाड़ी का पूरा दिखाता हूँ वॉक अराउंड। गाइस देखो ये सेंसर है ना, ये देखो फ्रेमलेस डोर है कार में, भाई साहब कितना अच्छा लगता है ना गाइस ये इस टाइप की कार्स, ठीक है। ये देखो ओल्ड जो पहले और ओल्ड कार्स में आता था ना, BMW की अभी भी है पॉलिसी, अभी भी देती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाएगी, एम स्पोर्ट की बैजिंग हो गई। गाइस ये बेज इंटीरियर इतना प्यारा लग रहा है गाड़ी का, बेज इंटीरियर भाई साहब, BMW में बैठने की अलग ही फीलिंग है। यहाँ पे गाइस बूट खोलने का भी ऑप्शन है इधर, ठीक है। ये ORVMs कंट्रोल हो गए, विंडोज़ कंट्रोल हो गए, मेमोरी सीट्स, ये डोर अनलॉक लॉक, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लाइक जो गाइस ये फिनिश दे रखी है ना, देखो जैसे गेट बंद होता है ऑटोमेटिक मिरर्स ऊपर चल जाते हैं, ठीक है। ये वुडन फिनिश दे रखी है बहुत ग्लॉसी मैट में। तो देखो ये स्टीयरिंग व्हील हो गया पूरा, ये गाड़ी का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा, इस पर सारी आपको रेंज वगैरह सब आ जाएगी, जो नॉर्मल पैडल शिफ्टर भाई BMW है। ये भगने में गाइस ये रॉकेट है, रॉकेट बहुत तगड़ा रॉकेट, जो फोर सिलेंडर जो गाड़ी का इसलिए गाइस, क्योंकि एक तो इसको क्या है थोड़ा लाइट वेट रख रखा है, क्योंकि थोड़ी फास्टेस्ट बगे, ठीक है। बाकी आप फिनिश देख सकते हो, ये अपने ये इंफोटेनमेंट कितना प्यारा है, पूरा BMW का गेस्ट वगैरह, ये अभी इन्होंने खुद के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। ये यहाँ से भी ये गियर नॉब देखो, पार्किंग रिवर्स BMW बहुत अच्छा देती है, ठीक है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, यहाँ पे वेरिएंट है स्पोर्ट कंफर्ट इको प्रो पार्किंग, ये कार की हाइट अप डाउन भी हो जाती है गाइस पीछे से, और पीछे का स्पॉयलर भी अप डाउन का ऑप्शन है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक देखो, ये पार्किंग जो अपने जो नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक होता है, इसमें पार्किंग ब्रेक ऐसा आता है, ठीक है। आर्मरेस्ट दिखाता हूँ कार का, ये देखो गाड़ी का आर्मरेस्ट लो गाइस, यहाँ पे स्पेस मिलती है, एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा इधर USB का, बाकी ये आर्मरेस्ट है, बाकी मोड वगैरह दिया है। ये ग्लोव बॉक्स हो गया अपना, कूल ग्लोव बॉक्स आता है गाइस इसमें, चलो ठीक है गाइस। आगे का ये था, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन हो गया अपने यहाँ पे, और ये पूरा इंफोटेनमेंट, ये AC कंट्रोल्स हो गए ना, ये ऊपर गए गाइस। पीछे देखो, ये पीछे भी बैठने की स्पेस बहुत अच्छी है गाड़ी में, ठीक है। यहाँ पे भी आर्मरेस्ट है, अब ये आर्मरेस्ट देखो, ये
ये दो कप होल्डर्स हो गए अपने यहाँ, ठीक है। बाकी और ये पीछे एक स्क्रीन दी गई भी है गाइस, दो एक इधर भी स्क्रीन दी गई भी है। सनरूफ है गाड़ी में बहुत अच्छी वाली, और एसी कंट्रोल्स हो गए गाइस पीछे। चार्जिंग पोर्ट है दो अपने, ये यूएसबी पोर्ट हो गया, और ये दो एसी वेंट्स हो गए पीछे। यहाँ पे स्पेस है, और गाइस ये भी रिक्लाइन हो सकती है, देखो इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन है, ठीक है। यहाँ हरमन की म्यूजिक मिलता है कार में, और एम्बिएंट लाइटिंग की देखो कितनी प्यारी है। गाइस इसमें ऑटोमेटिक टेलगेट मिलता है, और ये देखो गाइस पीछे की स्पेस बहुत बढ़िया है कार में, बहुत अच्छी स्पेस है। तो गाइस ये पूरी गाड़ी का देखो टेलगेट भी बहुत अच्छा, बूट स्पेस भी बहुत तगड़ी है। लो गाइस ये वन टच, लो यहीं पे मैंने पोर्श का रिव्यू किया था जिसको याद है, ठीक है। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। पीछे देख लो भाई, पैलेस ऑफ व्हील्स जयपुर।